ग्वालियर के बेहट थाने में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 108 पीपल के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में पौधारोपण के पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजन के बाद ग्वालियर जोन के आईजी राजा बाबू सिंह, एसपी सुरेंद्र सिंह गौर और सीएसपी सुनीश राजौरिया अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण किया। सामाजिक संगठन के सदस्य और स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि छात्रों को पौधारोपण में योगदान के लिए टी शर्ट देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पौधारोपण के बाद आईजी राम बाबू ने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक पीपल एक साल में 100 किलोग्राम ऑक्सीजन छोड़ता है और एक व्यक्ति को एक साल में 740 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में एक मनुष्य को 8 पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। बुंदेलखंड में ही मेरे द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा इस वर्ष बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया जा रहा है। बेहद थाना परिसर में ही 108 पीपल के पौधे एक दिन में एक साथ रोपित करने का रिकॉर्ड बनाने का अचानक ही तय हो गया था। मैं अभी कुछ दिन पहले ही 6th डिस्ट्रिक्ट लेवल योगा चैंपियनशिप के समापन समारोह में गया था और वहां पर जब मैं बोला, बाद में वहां पर आपके श्री वशिष्ठ जी मेरे से मिले और उन्होंने कहा कि मैं ग्वालियर का जिला योगा कोऑर्डिनेटर हूं, मैं शिक्षक भी हूं बेहट में और मेरी इच्छा है कि बेहट में 108 पीपल के पेड़ लगाए जाएं। तो पीपल की महत्व को समझते हुए पीपल के पौधे लगाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है उसको देखते हुए सरकार पौधारोपण अभियान को लगातार जागरूक करने के प्रयास कर रही है और पौधारोपण पर जोर दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर के बेहट थाने में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में 108 पीपल के पौधे लगाए गए। पीपल के पौधे पर्यावरण के लिए काफी लाभकारी होते हैं और पीपल के पेड़ के लाभ को देखते हुए ये संदेश दिया गया कि 8 पीपल के पेड़ हर व्यक्ति को लगाने चाहिए। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए आईजी राजा बाबू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजा जी, जिस तरह से हमेशा से ही देखा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा है और उसकी समस्या को देखते हुए भी जो पौधारोपण था और पौधारोपण के अभियान में उतनी तेजी नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सरकार ने पौधारोपण के अभियान को फिर से जोर दिया है और लगातार पौधारोपण के अभियान पर और पर्यावरण को बचाए रखने के अभियान पर सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, बुंदेलखंड में ये जो भयावह स्थिति पैदा हुई है कि हमारे यहाँ पहले तालाबों की संस्कृति हुआ करती थी, वर्षा के जल को रोका जाता था, ग्रीन कवर बहुत ज्यादा था, जब से पेड़ काट डाले गए तब से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। जो रीजनल हमारी छोटी सी छोटी नदियां थी उनका कैचमेंट ब्लॉक हो गया और वो सूख गई, फिर जो है बारिश अब कम होने लगी है, तो हमने डिसाइड किया कि बुंदेलखंड में इस पूरे एरिया में ग्रीन कवर बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो हमने ये प्लान किया है कि एक व्यक्ति को साल में 800 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए और एक पेड़ एक साल में 100 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। तो ये तो चोरी कह रही है, आप जो है दूसरों के पेड़ों की ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्यों नहीं हर व्यक्ति संकल्प लेता कि हम सब 8 पौधे हर साल लगाएंगे और पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए में एक साल 108 पीपल के पौधे लगा करके कि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि ग्रीन कवर को दोबारा बढ़ाए ताकि उसमें बारिश हो और ये जो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, बहुत सारी उनसे डिपेंडेंसी थी माइक्रोब की, क्रियो की, दूसरे जो जानवर हैं और ये इतनी भयावह स्थिति हमारे देश की जो जनसंख्या है 2.1% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, उसको जिस तरह मीठे पानी के जल स्रोत चाहिए,
क्रीम कवर चाहिए, इन सारी जो समस्याओं में जो चिंता है इनको लेकर के हमने एक बृहद अभियान इस पूरे चंबल ग्वालियर पूरे बुंदेलखंड में शुरू किया है। और पुलिस भी अपनी जो हम पुनीत कार में एक सोशल पुलिसिंग के रूप में, कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में एक ह्यूमन चेहरा लोगों के सामने पेश करे, इसके लिए हमारा ये स्पेयर टाइम है, हम ये पॉजिटिव पुलिसिंग पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सर, पौधे तो लग गए हैं और पर्यावरण प्रदूषण को बनाए रखने के लिए ये काफी सराहनीय कदम है, पर ये बताइए कि इन पौधों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस किस तरह की प्लानिंग के साथ इन पौधों का संरक्षण किया जाएगा? मेरा सबसे पहला जोर होता है कि आप सुरक्षा की व्यवस्था करें, सिर्फ छोटे खिलौने के लिए प्लांटेशन न करें। मैं अपने स्पीच में भी इस बात को बोलता हूँ कि सिर्फ 6 इंच के पौधे लगा करके फोटो खिंचवाना नहीं है। इसलिए अगर आप मेरी स्पीच सुने उसमें मैंने बोला है जी, अगले साल हम इन पौधों का जन्मदिन मनाएंगे, 1 साल के हुए पौधे, अब दोबारा इनकी वजह से पौधे नहीं लगेंगे जी। होता ये है कि 6 इंच से 1 फीट के पौधे लोग लगा करके फोटो खींच देते हैं, टारगेट दिखा देते हैं और ये वृक्षारोपण हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि नर्सरी ज्यादा नहीं है। मैंने कहा है कि कोई स्कूल है, कॉलेज है, पंचायत है, जहाँ भी है आप नर्सरी तैयार करें 10 से 20 फीट की उसमें एरिया में, और नर्सरी के अंदर पौधे 4 साल तक तैयार करें। जी बिल्कुल, तो ये वाकई में काफी ज्यादा सराहनीय कदम है। और जिस तरह से ये भी संदेश दिया गया है कि एक व्यक्ति को 1 साल में 740 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में एक मनुष्य को 8 पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, वाकई में काफी ज्यादा सराहनीय कदम है। और इस तमाम बातचीत के लिए राजा बाबू सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ग्वालियर जोन के IG राजा बाबू सिंह जी से हमारी बात हुई और उन्होंने ये जानकारी दी कि किस तरह से पेड़ पौधे लगा के हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और इनका कैसे किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं।